व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन पहाड़गंज साइड में, और मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अजय भैया। हम लोग साथ में पहले FEA में पढ़ा करते थे, तो आज भैया का इंटरव्यू था, भैया आए, हम कह चलो मिलते हैं। आज मेरा छुट्टी भी है, तो अब दिल्ली आए हैं, तो भाई छोले भटूरे का खाना बनता है यार। सो चल रहे हैं हम लोग बहुत ही फेमस छोले भटूरे की दुकान पे, जो कि है सीताराम दीवानचंद, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, तो देखते हैं टोटो वोटो लेते हैं और चलते हैं वहाँ पे, छोले भटूरे खाते हैं। बहुत टाइम हो गया वहाँ के छोले भटूरे भी खाए। लास्ट टाइम जब आपको याद होगा बेन आया था, तो बेन के साथ जो है कि मैं वहाँ गया था, नहीं बेन को नहीं ले गया था मैं, सौम्य और वरुण गए थे। तो आज चलते हैं फिर खाते हैं। वैसे यार हम लोग ऐसे क्यों बोले, दिल्ली वाली लैंग्वेज में मजा नहीं आता, हम लोग बनारसी वाली लैंग्वेज बनारसी भाषाएं बोलेंगे, तो मैं को रिप्लेस करते हैं हम से, ठीक है। सब हमारे बनारस का हम ही बोलते हैं हमको, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं, बस छोले भटूरे खाएंगे, मजे करेंगे, फिर भैया को थोड़ा घुमाता हूँ, फिर चलते हैं। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हम, और टोटो हम लोग ले ली क्योंकि ज़्यादा दूर था नहीं, 550 मीटर का वॉक था, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं पैदल ही, बस आ गए हैं, चलते हैं अंदर छोले भटूरे खाते हैं। ये हमारी प्लेट लग रही है भाई, आइए हमारे साथ में ही है। ना वजह भी है सेलिंग छोले भटूरे। भैया फ्री में खिलाएंगे हमको। गुड। ये भटूरे सीख रहे हैं भाई। ये हमारी प्लेट लग गई, अब भैया की प्लेट लग रही है। ओके लेट्स गो। सो बस छोले कुलचे हमारे ये रहे, और ये भैया, चलिए खाते हैं अब। सो दोस्तों निकलते निकलते हमने एक लस्सी भी ले ली, लस्सी ट्राई करते हैं कैसी है लस्सी यहाँ की, कहाँ गए पी के बताइए भैया कैसी लग रही है। सो यम्मी, बहुत ही वाह, क्या बात है, लस्सी बड़ी अच्छी है यार। सच में लस्सी जनरली मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन अच्छी है। आप इसको पियोगे पीने के वो भी सीताराम से। ये लाइक वैसा है ना, जैसे रामनगर की लस्सी अगर आपने पी है, बस ये वैसी है समझ लो, बस रबड़ी नहीं है इसमें। वो बात अलग है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सो गाइस अब चलते हैं सीपी की तरफ, भैया को सीपी भी घुमाना है, और यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आरके आश्रम मार्ग, रामकृष्ण मिशन नहीं, रामकृष्ण आश्रम मार्ग। तो ये है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, चलते हैं मेट्रो की तरफ और फिर चलते हैं सीपी, भैया घुमाते हैं, भैया को सीपी दिखाते हैं, क्योंकि पहली बार दिल्ली आए ना, पहली सेकंड टाइम, पहले भी आए थे घूमे नहीं थे, घूमे नहीं थे, चलते हैं फिर। तो अभी हम लोग मेट्रो में, भैया पहली बार मेट्रो में बैठे हैं, भैया कैसा लग रहा है मेट्रो में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में विजिट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हवा है बाहर, बहुत गर्मी थी यार, ये अंदर आके अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस, मैंने देखा नहीं लेकिन ऐसा फील हो रहा था। मैम लू चल रही है भाई साहब बाहर, क्या करोगे। सो भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं सीपी पे, और अब
आप सभी रेसिपी देखिए कैसी है। यहीं पे लोग रील बनाते हैं ज़्यादा आके। ये देखिए, ये वो एरिया है जहाँ मोस्टली लोग रील बनाते हैं। तो अजय भैया कैसा लगा सीपी का फर्स्ट इम्प्रेशन? बहुत अच्छा। ये तो मैं टीवी या मोबाइल में देखता था, मैं हकीकत में आज देख रहा हूँ। इसका अनुभव बहुत ही आनंदमय है। सो भाई दिस इज सीपी का मार्केट। यहाँ पे आपको कपड़े, कवर और कुछ सुवेनियर्स, ज्वेलरी, आइसक्रीम वगैरह सब मिल जाएंगे। मतलब यहाँ का एरिया जो है ना पूरा एक जैसा ही बना रखा है ना। हाँ। पूरी एक ब्रिटिश एड्रेस की पहचान सकते हो, क्योंकि वैसे नहीं है तो नहीं पहचान पाओगे। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है मोस्टली आपका। ये जो बिल्डिंग्स है और पूरी वाइट है। सो दोस्तों अभी सीपी पे घूमते घूमते हमें दिखा एक चरखा म्यूजियम, तो उसकी टिकट हमने ले ली है और चलते हैं अंदर देखते हैं। क्योंकि पहली बार मैंने देखा यहाँ पे कि चरखा म्यूजियम है। तो आइए देखते हैं कि अंदर है क्या, कैसा है, आपको भी दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत है गांधी जी, आइए। दिस इज द एंट्री। और जूते निकाल के चल रहे हैं अपने को। दोस्तों यहाँ जो है कि बेसिकली सारे चरखे रखे गए हैं, जो कि पुराने ज़माने से जब से यूज़ हो रहे थे ये चरखे, सारे जनरेशन बाय जनरेशन। ये है 1977 का, इसका नाम है आयरन ट्रेडिशनल चरखा। और ये है 1951 का बारदोली चरखा। ये है 1937 का पंखुड़ी चरखा। और ये भी बादरोली चरखा है 1949 का। ये पंखुड़ी चरखा 1947 का है। ये भी बादरोली चरखा है 1912 का, इतना पुराना। फिर ये पंखुड़ी चरखा 1947 का है और 1937 का पंखुड़ी चरखा। ये बंजू चरखा है 1943 का। और ये है पेटी चरखा 1947 का। फिर ये है बादरोली चरखा 1943 का। सो इतने टाइप के चरखे हैं। और बाकी ये हिस्ट्री पूरी लिखी गई है यहाँ पे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा इस चीज़ में जानने में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल लगता है भैया बोर हो गए यहाँ पे आके। नहीं, गांधी जी की वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पे।
थैंक यू या चीयर्स गर्मी का ये असली हाय हाय मजेदार चीज गजब फ्लेवर आ रहा है। सो गाइस लेमन सोडा पीने के बाद अब चलते हैं पालिका बाजार के अंदर लेना, ऐसे कुछ नहीं है, मौज काट के आते हैं। गर्मी लगे ठंडी ठंडी एसी की हवा लगेगी आपको। पालिका बाजार के बारे में दिखाते हैं, कभी भी आए दिल्ली में तो क्या क्या आप खरीद सकते हैं वो ऐसा जगह पे आपको ले चल रहे हैं, चलते हैं। चश्मा निकाल दिया सर, यहाँ 200 से ज्यादा दुकानें हैं। सो इफ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस फॉर बाइंग समथिंग एंड इफ समबडी इज नॉट यू नो रिड्यूसिंग द रेट, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट शॉप, यू विल गेट डिस्काउंट। लास्ट टाइम व्हेन आई केम आई बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक प्रो टिप आपके लिए है कि जब भी आप पालिका बाजार आए तो जितनी दवा के बार्गेनिंग हो सके उतनी दवा के बार्गेनिंग करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 2000 की चीज़ 300-400 की भी मिल सकती है। क्योंकि मैंने खुद लिया है, 1500 रुपए का कार्गो मैंने 450 में लिया है और बढ़िया क्वालिटी वाली। ये टी शर्ट भी मैंने यहीं से ली है 300 रुपए की, आई नो इससे सस्ता भी मिल सकता था इससे आगे चल के, बट एक बार ले लिया था फिर क्या ही करूँ। तो ठीक है, जितना लेकिन दबा के हो सके उतना दबा के बार्गेनिंग करें जब भी आप यहाँ पर आए। वीडियो एंड नहीं करी थी तो यहीं पे एंड करते हैं, चलते हैं बस भैया को छोड़ने स्टेशन, फिर चलते हैं अपने घर पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई का चैनल।